तो जल्दी से करते हैं वीडियो स्टार्ट है। पेंटेड अलॉयज, ये वाले जो अलॉयज हैं। कैमरे की बात करूं तो रिवर्स पार्किंग कैमरा, इसका एक बड़ी डेमो देते हैं आपको। पीछे की मतलब जो ही लगता, अगर आप नॉर्मल बंदे भी बैठ के गाड़ी चलाते हैं। एक आपको सी टाइप दिया गया, आपको डायरेक्ट किसे कहते हैं, ये टॉप एंड मॉडल में है। ये एक बहुत बेहतरीन नया डिजाइन दिया है कि यार एक आपको लग्जरियस लुक ऑन हो जाएंगे, जिसके अंदर डिस्टेंस यूनिट, फ्यूल इकोनॉमी, लैंग्वेज। की हाल चाल है, होप सारे वधिया। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज ऑफिस से ब्लॉग इसी स्टार्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे मैसेज आए थे कि ये चाबी जो है, जो न्यू ब्रेजा आई है, उसके वीडियो बनाओ, थोड़ी नॉलेज दो, जो छोटा मोटा मेरे पास ज्ञान है उसको आपके साथ मैं करूँगा साझा। पंजाबी में बोलते हैं टी 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 टी, आवाज आती रहती है ऑफिस में, ये सब चलता रहता है, तो इसको इग्नोर करना। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं, वो करने जा रहे हैं नई ब्रेजा की, जो कि लॉन्च हो चुकी है। मैं थोड़ा लेट वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, बिकॉज लॉन्चिंग के अंदर बहुत बिजी थे, वैसे भी हाँ बिजी ही रह रहे थे, तो मुझे छोटी सी वीडियो बना लें, टाइम वेस्ट नहीं करते। तो जो स्टार्ट करेंगे हम आज डेमो गाड़ी की पूरी फीचर्स के बारे में, क्या चेंज हुआ है, क्या चेंज नहीं हुआ, सब कुछ बात करेंगे FIR SST के ऊपर, फ्रंट इंटीरियर रियर सीट सेफ्टी टेक्नोलॉजी के ऊपर। वैसे ही मैं आपको डेमो दूंगा और सारी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, जो हिडन फीचर है वही मैं आपको बताऊंगा। तो फटाफट पहले आप गाड़ी के सिनेमैटिक एंजॉय करो, उसके बाद गाड़ी में हम बात करेंगे क्या क्या चेंज हुआ और क्या क्या आया, ठीक है। Whispered promises straight to my heart, I'd never noticed, but you were never there, you were never there, hey. You gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never there. I want us to be what we used to be this night. Maybe just another fight, but you don't wanna see me cry. There is no way that it's never going there. I think it better and I swear I'll follow you no matter where. तो जल्दी से करते हैं वीडियो स्टार्ट। स्टार्टिंग के अंदर जो फ्रंट में दिया गया है, प्रोजेक्टर के साथ DRL विद LED लाइट्स के साथ, फॉग लैंप जो है वो LED हैं। साइड से अगर बात करूँगा, 16 इंच स्टैंडर्ड कर दी है। ZXI+ में अलॉय व्हील्स आ रहे हैं, प्रेशीशियस कट अलॉय व्हील्स आ रहे हैं। इससे नीचे वाले में आ रहे हैं पेंटेड अलॉयज, ये वाले जो अलॉयज हैं ये हैं प्रेशीशियस कट। गाड़ी पहले से ऊंची कर दी है, अगर यहाँ से बात करूँ तो ORVM ड्यूल टोन है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, और इसके ऊपर दिया गया है आपको इंडिकेटर। और यहाँ से जो स्टार्टिंग है, एंट्री है, एंट्री दी गई है कीलेस एंट्री जिसे कहते हैं, स्मार्ट एंट्री। चाबी मेरे पास है, चाबी मेरी पॉकेट में रहेगी, अगर मैं बटन दबाऊंगा तो गाड़ी लॉक हो जाएगी, बटन दबाऊंगा गाड़ी अनलॉक हो जाएगी। इसको खोल के चलते हैं एक बारी अंदर। अंदर जो है कि ड्यूल टोन आगे है, पहले था नॉर्मल, अब यहाँ पर एम्बिशंस लाइट आ गई है। यहाँ पर लाइट आपको नज़र नहीं आ रही होगी, बिकॉज अभी अंधेरा नहीं है। तो यहाँ पर 4-पावर विंडो आ गई है, कीलेस एंट्री है, सेंटर लॉकिंग है। पहले जो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM का जो बटन था वो यहाँ दिया गया था, यहाँ से हटा के यहाँ कर दिया है। और अंदर बात करते हैं, अब वो स्टार्ट दे दिया है। उसके बाद ये जो दिया गया है, ये लाइट्स का दिया गया है कि जो आपकी लाइट है वो आपकी फॉलो मी लाइट के हिसाब से है। और हेडअप डिस्प्ले, HUD का मतलब हेडअप डिस्प्ले है। उसके बाद है हिल होल्ड असिस्ट, ये है कि आपकी ब्रेकिंग को अच्छा बनाता है। और दूसरा है आइडल स्टार्ट एंड स्टॉप। और यहाँ पर जो ये बटन है, ये 360 कैमरे का बटन है, अभी गाड़ी स्टार्ट करके आपको दिखाऊंगा। एक बारी कॉकपिट ऑन करते हैं इसका, इसको एक बार स्टार्ट करेंगे तो नॉर्मली, ओहो किसी ने गाड़ी से छेड़छाड़ करी है। गाड़ी में अगर स्टार्ट करें तो फ्यूल लो है अभी। मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले आ जाती है इसके अंदर, MIDG से बोलते हैं, जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें दिखने को मिल जाएगी। यहाँ पर एक बार देखिए मिल्क सिस्टम, जो कि प्रो लेवल का है, हमें गाना नहीं सुनना अभी। प्रो लेवल से मतलब बोलें कि इसके अंदर एडिशनल सारी चीज़ें डाल दी गई हैं। टच बहुत सॉफ्ट हो गया है, जैसे पहले इसके अंदर हार्ड टच आता था, वो बड़ा बटन दबा दबा के करना पड़ता था, मगर अब वाले के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, आप जैसे देख सकते हैं। साउंड क्वालिटी भी बहुत बढ़िया कर दी है। यहाँ पर ऑटोमेटिक AC ZXI+ के अंदर और ZXI के अंदर आएगा। मेनली जो बात करते हैं IRVM अकॉर्डिंग डे नाइट,
ये वाला जो फीचर है खाली ZXI प्लस के अंदर आएगा, सनग्लास होल्डर लाइट, और मेनली जिसकी वजह से गाड़ी एकदम बम बनेगी और जो बिकेगी वो है इलेक्ट्रिक सनरूफ। एक बारी ओपन करके दिखाते हैं, आहा, एक बारी मैदी खुलेगी फिर करेंगे, फिर पूरी खुलेगी। अब भैया लोग बोलते हैं सनरूफ बाहर निकलने के लिए होती है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। सनरूफ जो यूज़ होती है वो वेदर का एंजॉय लेने के लिए होती है। नीचे बात करूँ, फास्ट चार्जर का भी पोर्ट दे दिया है, ये खाली ZXI प्लस के अंदर आएगा। उसके बाद बात करते हैं क्रूज़ कंट्रोल की। क्रूज़ कंट्रोल बहुत सारे लोग पूछते हैं कि यार क्रूज़ कंट्रोल है क्या, ये वर्क कैसे करता है। आपका जो गियर लीवर है वो थर्ड गियर के अंदर एंगेज होना चाहिए, और जो आपकी मैक्सिमम स्पीड होनी चाहिए वो 40 से प्लस होनी चाहिए, 43-42 भी चले तो हो जाएगा। उसके बाद आपने दबाना है क्रूज़ को, ऐसे बटन दबाएंगे, यहाँ पर देखो किलोमीटर लिख के आ गया है, फिर करेंगे सेट और कर देंगे ओके, तो क्रूज़ हो जाएगा। गाड़ी आपकी उसी स्पीड में चलेगी हाईवे पे जिस स्पीड में आपने सेट करी होगी, और इसको हम प्लस करते रहेंगे, ऐसे प्लस करेंगे 1, 2, 3, तो 1.4 के हिसाब से स्पीड प्लस होती रहेगी। और जैसे ही आप डिसएंगेज करेंगे, ब्रेक मारेंगे, तो ऑटोमेटिकली ये वाला फीचर डीएक्टिवेट हो जाएगा, वापस आपको नॉर्मल मैनुअली चलानी पड़ेगी। एक बारी गाड़ी स्टार्ट करते हैं और दिखाते हैं आपको हेडअप डिस्प्ले। मैंने गाड़ी स्टार्ट करी, ये डिस्प्ले इसकी बाहर निकल के आ गई है। अभी इसके अंदर कुछ नजर नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा नीचे करूँगा यार ऐसे, हाँ ये देखो अब आपको लिखा हो रहा सामने लो फ्यूल लिखा रहा होगा। तो ये वाली डिस्प्ले जो यहाँ पर नज़र आ रही है आपको, यही सेम यहाँ भी नज़र आती है, सारी चीज़ें आपको यहाँ नज़र आ जाएंगी। जैसे हल्का हल्का आपको नज़र आ रहा होगा वो, जैसे टाइम डेट आ रहा है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ एक बार, जैसे ये वाला ये हेडअप डिस्प्ले है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हो वाइल ड्राइविंग, तो बार बार आपका ध्यान यहाँ पर ना जाए, बार बार आप सामने देखी गाड़ी इजीली ड्राइव कर लें। और बात करते हैं ORVM इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल की। ये जो फीचर है इसके अंदर बटन दबाएंगे ये खुल जाएगा, बटन दबाएंगे बंद हो जाएगा। बड़े आपको फीचर में मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले के भी दिखा देता हूँ। इस वाली नॉब को, अगर ये वाला जो नॉब है, इस नॉब को क्लिक करके रखेंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो ऑटोमेटिकली इसके सारे के सारे जो फीचर्स हैं ऑन हो जाएंगे, जिसके अंदर डिस्टेंस यूनिट, फ्यूल इकोनॉमी, लैंग्वेज, फ्यूल रीसेट, टेम्परेचर सेट, सेंसर। इसके इस अंदर क्या है, क्लिक करेंगे तो आपका एक लिखा हुआ है ट्रेलर मोड। ट्रेलर मोड ये होता है कि अगर आपने पीछे गाड़ी टो करी हुई है तो बार बार सेंसर जो है सेंस करता रहेगा। अगर आप ये ट्रेलर मोड पे करते हो, अगर आपने पीछे कोई गाड़ी टो करी है या कुछ सामान आपने बांधा हुआ है, तो सेंसर सेंस नहीं करेगा, ये बंद हो जाएगा। नॉर्मल मोड के अंदर क्या होगा, जैसे आपका सेंसर वर्क करता है वैसे ही वर्क करेगा। इसको बैक करते हैं, नीचे आते हैं, डोर अनलॉक। इसके अंदर डोर अनलॉक के सिस्टम दिए गए हैं, इसको क्लिक करेंगे, आपको चारों डोर अनलॉक करने हैं या आपको एक डोर अनलॉक करना है, वो भी फीचर दिया गया है। खाली देखो अभी इसमें ड्राइवर साइड किया हुआ है, तो खाली जो ड्राइवर साइड है अगर हम अनलॉक करेंगे, खाली ड्राइवर वाली साइड अनलॉक होगी, बाकी डोर अनलॉक नहीं होंगे, ये सेफ्टी फीचर होता है। इसके बाद करते हैं ऑटो लॉक। ऑटो लॉक के अंदर लिखा हुआ है मैनुअल लॉक और स्पीड सेंसो। इसके अंदर क्या है कि जैसे आप 10 के ऊपर 20 के ऊपर स्पीड लेके जाओगे, तो गाड़ी ऑटोमेटिकली चारों डोर लॉक कर देंगी, गाड़ी आपकी सेफ रहेगी। इसे बैक करते हैं, नीचे आते हैं, ऑटो अनलॉक। अब ऑटो अनलॉक के अंदर क्या है, साइनो ऑफ IG ऑफ हैंड्स। इसका मतलब ये है कि आप अगर गाड़ी बंद करते हो तो सारे दरवाजे खुलते हैं या ड्राइवर साइड खुलता है। अगर आप अकेले राइड कर रहे हो, ड्राइव चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, तो आपको खाली अपना ड्राइविंग साइड वाला डोर खोलना है, बाकी नहीं खोलना है। होता क्या ना कि यार अगर आपके चारों डोर खुले रहते हैं तो कोई भी थेफ्ट कर सकता है, पीछे से बंदा घुस के या सामान निकाल सकता है, ये सेफ्टी फीचर बहुत बढ़िया है। अगर नीचे कहें अलार्म, अब अलार्म के अंदर ऑन एंड ऑफ, इसके अंदर क्या है कि अगर सेंस करते हैं गाड़ी को, हल्का सा हम पिंच करते हैं ऐसे करके, अगर कोई टच होती है चीज़ तो वो सेंस करता ही उसके लिए है। और डोर मिरर, डोर मिरर जो ये वाले मिरर हैं, ये आपको बंद करने हैं या नहीं करने हैं, ये उसके लिए है। इसको करते हैं बैक, एक बार नीचे आते हैं बैक। इसके बाद लाइट्स, ये लाइट्स है आपकी, ये लाइन चेंज, अगर ये वाली क्लिक करते हैं तो अगर हम इंडिकेटर पे जो लाइट्स, इस पे लाइट्स दी गई हैं, अगर ये वाला हम मिस नीचे करेंगे, एक बार करेंगे तो वो कितनी बार, एक बार ही करती है, दो बार करती है, ये उसकी सेटिंग होती है। उसके नीचे करते हैं एम्बिएंट लाइट। ये वाली जो लाइट आप देख रहे थे, मैंने जो आपको यहाँ लाइट दिखाई थी नीचे वाली, ये इस चीज़ के लिए लाइट गई है, एम्बिएंट लाइट की। और ये लेवल, अब ये लेवल 1, 2, ये लाइट का लेवल कौन कौन सा करना है, बिल्कुल लाइट करनी है, डार्क करनी है, कैसे करनी है, ये एक मिनट, ये उसके लिए, अभी लेवल 6 पे थी,
सेवन पे करके इसको सक्सेसफुली करके बंद कर देते हैं, ऑफ करते हैं, बैक नीचे करते हैं, गाइड मी टू लाइट। अब ये सबसे प्यारा फीचर है इसके अंदर। इसके अंदर क्या है, अगर आप करते हैं क्लिक इसको, तो आप देखते हो कि डार्क एरिया में जाते हो जहां पर बिल्कुल लाइट नहीं होती, ये वहां पर आपको बेनिफिट देता है। अगर इसको आप 10 सेकंड करोगे, अगर आपका डिस्टेंस जैसे मेरे को यहां से सामने जाना है तो मुझे वहां जाने के लिए 30 सेकंड्स लगेंगे, तो ये आपको बेनिफिट क्या देगा ना, आपको 10 सेकंड, अभी 10 सेकंड में सेट है, अगर मैं इसे कर दूंगा 25 पे, तो 25 सेकंड के लिए अगर मैं गाड़ी लॉक करूंगा तो 25 सेकंड के लिए गाड़ी की लाइट्स ऑन रहेगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। इसे बैक करते हैं। एंटी थेफ्ट के अंदर वही वाला जो मैंने आपको बताया था कि सेंसर को कितना सेंस करना है, मतलब अगर आप जोर से पुश करेंगे तो भी सेंस करेगा, नहीं करेगा। उसके बाद ये एसी ये स्टैंडर्ड पर रखना है, इकोनॉमिक पर रखना, कंफर्ट रखना है, ये उसके लिए हो गया। ये डिस्प्ले आइटम, इसके अंदर कैलेंडर, कार कलर, इसके अंदर कार कलर ये नहीं कि कार का कलर चेंज हो जाएगा। लोग बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि यार ये क्या है, इसके अंदर क्या है, जो इसके अंदर डेमो के अंदर गाड़ी बनी आती है ना, ये उसके लिए है। अगर वाइट करेंगे वाइट हो जाएगी, सिल्वर करेंगे सिल्वर हो जाएगी, ऑरेंज तो ऑरेंज, ब्लू तो ब्लू, ये उस चीज़ के लिए होता है। कई कस्टमर्स फोन करके बोलते भाई इसका हमारी गाड़ी का कलर चेंज नहीं हुआ, तो उसके लिए नहीं होता। तो रिवर्स आ गया, कैमरा क्वालिटी बहुत बेहतरीन दे दी है इन्होंने, आप देख सकते हैं बिल्कुल ओके व्यू। अगर लाइट कम भी है, लो लाइट के अंदर भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। इसको करते हैं नॉर्मल और एक बार चलते हैं पीछे में। हमने फ्रंट कर लिया, अब इंटीरियर हो गया, अब रियर, पीछे वाली सीट्स का एक बारी डेमो देते हैं। अब एक बारी बात करते हैं रियर की, रियर सीट्स की बात करते हैं। यहाँ पर जो कि सीट्स हैं बहुत बेहतरीन दे दी है, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर पीछे दे दिया है आपको रियर एसी वेंट, जो कि पहले नहीं आता था। और नीचे सबसे बढ़िया बात इन्होंने ये कर दी है, अरे यहाँ पर जो पोर्ट दिए गए हैं आपको, ये वाले पोर्ट दिए गए हैं, ये आपको एक यूएसबी दिया गया है, एक आपको सी टाइप दिया गया है। आपको डायरेक्ट चार्जर नहीं लगाना, आपको खाली यूएसबी लगानी है और आपका काम इजी चार्ज हो जाएगा। और यहाँ पर दिया गया आर्म रेस्ट, इसका मैं ज़्यादा कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, खाने पीने के काम आता है और आराम से बैठने के काम आता है कि आप अपना हैंड को होल्ड करके इजीली बैठ सके। सेफ्टी की बात करूँ, सेफ्टी बेस मॉडल से ही सारे मॉडल्स में दे दी गई है, जैसे ABS, EBD, आपकी ब्रेक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, आपका जो इसके अंदर EPS दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेयरिंग, मतलब जो भी इसके होते हैं आइसोमिक चैलेंज के लिए जम्पर ये लगाने वाले, सारे के सारे जो कि सेफ्टी फीचर हैं वो बेस मॉडल से ही दे दिए गए हैं। मतलब पहले क्या होता था कि ना एयरबैग्स जो हैं उसका थोड़ा अलग कर दिया है, जो कि 6 एयरबैग्स हैं वो आपको टॉप एंड मॉडल में दिए गए हैं ZXI प्लस में, और जो नॉर्मल बाकी मॉडल हैं LXI, VXI और ZXI, उन सब में दिया गया है फ्रंट टू एयरबैग्स, क्योंकि साइड कर्शन इस बार दे दिए गए हैं। और हाँ एक बात और आपको बतानी थी, प्राइस में बहुत चेंज कर दिया है, जो नॉर्मल LXI का रेट है वो पुरानी वाली से 15,000 रुपीज़ बढ़ा है, जो VXI है उसके अंदर 1,00,000 रुपीज़ बढ़े हैं, जो ZXI है उन दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है। हाँ मगर प्रोडक्ट जो है वो बहुत बड़ी और बेहतरीन बना दी है, वैल्यू फॉर मनी है, आप पैसा खर्च रहे हो तो आपको वो चीज़ मिल भी रही है। एक बारी पीछे से गाड़ी देखते हैं, क्योंकि हमारा फ्रंट इंटीरियर रियर सेफ्टी हो गया, और एक बारी दिखाते हैं टेक्नोलॉजी, फिर करेंगे वीडियो एंड, कॉज मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंदर सारी चीज़ कवर करना चाहता हूं कि अगर आप पैसा खर्च कर रहे हो आप सही जगह लगा रहे हो या नहीं। जो ये वाली ब्रिज आई है न्यू जनरेशन, एकदम बेहतरीन और बढ़िया है, कॉज इंजन सेम है मगर नेक्स्ट लेवल कर दिया, पैसा खर्चो और बढ़िया चीज़ लो। एक बारी पीछे से देखते हैं LED लाइट्स, फिर एक बारी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें, क्या क्या है, क्या ग्राउंड क्लियरेंस, क्या लेंथ, क्या ब्रेथ, उसके बाद वीडियो करेंगे एंड। जो उसकी बैक लाइट दी है वो LED दी गई हुई है, अब बेस मॉडल से ही LXI के अंदर भी सेम था और VXI के अंदर से भी सेम था। और एक मुझे बताना, थोड़े पढ़ के बोलूँगा, मैं आपको गलत नहीं बताना चाहता, जो ऑल ओवर ब्रिजा की लेंथ है वो है 3995 और जो विड्थ है वो है 1790 और जो हाइट है वो है 1685। ये पहले से 45 mm बढ़ा दी है, अब पहले से ग्राउंड क्लियरेंस बढ़िया हो गया है कि बंदे बैठ के आपकी गाड़ी नीचे से नहीं लगेगी। और जो व्हील बेस है वो 2500। छोटी सी वीडियो बनाई थी आपको समझाने के लिए, अगर आप मुझे बोलोगे ना कि आप जो इस वीडियो को थोड़ा और एक्सप्लेन करो या किसी और पे नई वीडियो बनाओ या पर्टिकुलर आपको स्मार्ट इंफोटेन स्टूडियो पे या सुजुकी कनेक्ट पे या दूसरी गाड़ियों पे वीडियो चाहिए, तो आप मुझे प्लीज़ टेक्स्ट करना, मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। मैं बाकी ब्लॉग भी बनाऊंगा, ये भी इसलिए बनाना चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन शेयर हो, जो मैं बनाना चाहता हूँ
और हाँ, अगर किसी को फाइनेंस में प्रॉब्लम आती है उसका भी बहुत बढ़िया इंतजाम है, आपको बता देंगे। तो फटाफट करते हैं वीडियो। आई होप आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी तो लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जल्दी से मिलेंगे नए वीडियो में। बहुत सारा प्यार, रब रखा।